नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। सागर जिला के नरियावली विधानसभा के ग्राम पंचायत ईश्वरवारा में एक व्यक्ति के द्वारा गणपति जी एवं दुर्गा जी का बगैर फोमा के हाथ की कला से किया जा रहा है निर्माण। ईश्वरवारा ग्राम जो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जन्मस्थली है, ये ग्राम सागर बीना मुख मार्ग से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। वैसे ही ईश्वरवारा का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है और आज हम बात करेंगे योगेश लोधी से जो कि मूर्ति निर्माण कर रहे हैं और हम जानेंगे इन्होंने कहां से सीखी यह कला। दुर्ग सिंह यादव की रिपोर्ट। देख रहे हैं एमपी न्यूज़ कास्ट और आज मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूं। एक छोटे से ग्राम में एक व्यक्ति इतनी भयानक कला दिखा रहे हैं जो कि गणपति जी और दुर्गा जी की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे उनसे। भैया आपका परिचय? मेरा नाम योगेश लोधी है, इस दोबारा से हूँ। ये कला आपने कहाँ से सीखी? ये कला मैंने बीना से सीखी। किसके द्वारा? बीना मेरे मामा बनाते थे, कोई गुरु या समझ लो, उन्हीं से सीखी। कितना समय लग जाता है एक मूर्ति तैयार करने में? वैसे एक मूर्ति में तो 7-8 दिन लग जाते हैं, लेकिन इसमें हम एक साथ काम नहीं करते। मतलब पहले कसाई कर लेते हैं, उसे मिट्टी काम करते हैं, मिट्टी का उसके ऊपर अलग अलग फिनिशिंग वगैरह पुट्टी वगैरह करते हैं, उसके बाद उंगलियाँ बनती हैं, फिर उसका कलर होता है। तो लगभग कितना खर्चा आ जाता है एक मूर्ति में? खर्चा तो इसमें कम ही है, लेकिन मेहनत ज्यादा हो जाती है। लगभग एक मूर्ति में 5-6 हज़ार का खर्चा आ जाता है। कलर कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, जैसे कलर यूज करते हैं वैसे ही उसमें जाना रहता है। कितने की बिक जाती है मूर्ति? गांव में तो कम ही की मिलती है। अगर एक मूर्ति सिटी में लेने जाओगे तो इसकी कीमत कम से कम 25,000 है, लेकिन गाँव में इसके 11,000 ही मिलते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जो उसकी जो राशि आती है? इसको हम निशावर बोलते हैं, माता की निशावर होती है। इसको मूल्य में नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कीमत कोई नहीं दे सकता। अभी तक लगभग कितनी मूर्ति निर्माण कर चुके हैं? अभी तक देवी जी की सिर्फ 3 मूर्ति करी है और गणपति जी की 8-9 मूर्तियां हैं, बस इतनी। क्योंकि काम इसमें फिनिशिंग का ज्यादा करते हैं हम, ज्यादा काम नहीं करते लेकिन काम कम करते हैं, अच्छा करते हैं, फिनिशिंग में करते हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई हम बस 12वीं पास और आई टी आई।